क्लास फिफ्थ आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश चैप्टर 8 द थ्रोन ऑफ जजमेंट के, इसको हमने नेक्स्ट में पहले वीडियो में देख लिया था, इसका हिंदी में सारांश पढ़ा था हमने स्टोरी का और फिल इन द ब्लैंक किए थे और मैच द कॉलम। इसके आगे हम देखेंगे हम आंसर और क्वेश्चन, क्वेश्चन और आंसर का देखेंगे हम। इसके सबसे पहले दिया है हु वॉज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कौन थे, तो इसका आंसर हमको यहाँ मिलेगा। सबसे फर्स्ट वाले पेज में आ जाएंगे हम, विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, वॉट वॉज ही फेमस फॉर, तो वो किस लिए प्रसिद्ध थे, अपना आंसर हो जाएगा ही वॉज फेमस फॉर हिज जजमेंट, वो उनके न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, थर्ड नंबर का हमको करना नहीं है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वॉट वॉज द क्वेश्चन पुट बाय द फर्स्ट एंजल टू राजा भोज, मतलब राजा भोज के पास जब वो फर्स्ट एंजल परी आती है वो क्या कहती है राजा भोज से, तो इसी के बारे में मतलब आया है। हमारा आंसर होगा द फर्स्ट, यहाँ से लिखेंगे हम द फर्स्ट एंजल टू राजा भोज, क्वेश्चन मार्क ये हटा करके हम लिखेंगे इफ ही वॉज वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन, क्या आप राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में बैठने के योग्य हो, ऐसा बोलती हो। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 हमको करना नहीं है, हम देखेंगे क्वेश्चन उसके बाद बी नंबर का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स, मतलब हमको ये पढ़ना है उसको बताना है कि ट्रू या फॉल्स है। सबसे पहले दिए हमको विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ बनारस, तो हमारा क्या हो जाएगा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, वो थे उज्जैन के, और ये दिया है बनारस, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। फिर दिया सेकेंड द शेपर्ड बॉय गेव ए फेयर एंड वाइज जजमेंट, तो हो जाएगा ट्रू। फिर दिया थर्ड नंबर में एवरी एंजल पुट ए क्वेश्चन टू द किंग, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, है ना, जो हर परिया जो थी वो राजा से हमेशा एक क्वेश्चन पूछती थी। फिर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का, द लास्ट एंजल परमिटेड द किंग टू साइट ऑन द थ्रोन, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्या वो आखिरी की जो एंजल थी यानी परी थी उनने राजा को सिंहासन बैठने की इजाज़त दी, तो हमारा क्या थे उसमें इजाजत उसने नहीं दी थी, तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 5, राजा भोज फाउंड द थ्रोन लेइंग इन रिवर, क्या हो जाएगा जो राजा भोज थे उनको जो सिंहासन कहाँ से प्राप्त हुआ था, रिवर से, क्या नदी से, नहीं, इसलिए हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। बस हमको इतना ही करना है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।